हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज बनाते हैं हम राजस्थानी स्पेशल गट्टे की सब्ज़ी। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही आसानी से बनती है। जब आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाएं, तब ज़रूर बनाएं ये रेसिपी। ये बहुत आसान है और बहुत ही क्विक है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में लेते हैं अराउंड 2 कप बेसन। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी। अब मैं 1/2 कप दही डालूँगी इसके अंदर और इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल भी डाला है ताकि थोड़ा मोइन आ जाए आटे के अंदर। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन कर लेंगे। आज मैंने अपनी मम्मी की स्पेशल रेसिपी यूज़ की है, तो उनसे बोला है स्पेशली बनाने को। और अब जब ये सब एक सा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को इस तरह से गूंथ लें। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का। अब हम इसके सॉसेज टाइप रोल्स बना के इसको एक साइड में रख लेंगे। आज मैं यहाँ 2 तरह के गट्टे बना रही हूँ। तो दूसरे जो हैं वो है भरवा गट्टे। उसके लिए मैंने थोड़े से नट्स और थोड़ी सी किशमिश को बारीक काट के एक साइड में रख लिया है। अब मैंने लोई बनाई है उस आटे की, उसमें एक बीच में कैविटी ऐसे की है और इसके अंदर मैं अब सारी अपनी फिलिंग भरूंगी। ये गट्टे भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये एक डिफरेंट वैरायटी है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मसाला, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्च, जीरा पाउडर एक्सेट्रा, लेकिन हमारे यहाँ पे ये नट्स के साथ बनाया जाता है। तो इसको बस ऐसे गोल गोल बना के और सारे गट्टे भरवा जो हैं वो इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए अब मेरे ये सारे गट्टे रेडी हैं, भरवा और नॉर्मल। अब गट्टों की ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप दही को विस्क कर लिया है। इसमें डालती हूँ थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और बहुत सारा धनिया पाउडर, अराउंड 3 टेबलस्पून। तो ये ग्रेवी दही और धनिए से ही बनती है, तो अच्छे से धनिया पाउडर डालें। अब मैंने यहाँ डाला 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। बस इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कुछ इस तरह से, और ये हमारा मसाला काम आएगा ग्रेवी के लिए। अब हम कर रहे हैं गट्टों को बॉईल। तो मैंने सारे जो गट्टे बनाए थे उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर अराउंड 5 to 7 मिनट्स रख दिया है। और अब देखिए ये गट्टे इस तरह से ऊपर आ जाएं, इसका मतलब हमारे गट्टे रेडी हैं। बस अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लूँगी। ये पानी आप फेंकिए मत, हम ये पानी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 1 पैन, उसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा तेल और उसमें डालूंगी थोड़ी चुटकी भर हींग, थोड़ा सा जीरा, और अब मैं डाल दूंगी हमारा दही वाला मिक्सचर। ये सारा पूरा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये ग्रेवी जो है हमें इसको चलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे ना, और ध्यान रखिए ये लो फ्लेम पे करेंगे हम। तो इस ग्रेवी को हमको तब तक चलाना है जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। उबाल आ गया इसका मतलब हमारा दही नहीं फटेगा। तो इसको बनाने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है। जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होती है मैं अपने गट्टों को इस तरह से सर्कुलर डिस्क्स में काट लूँगी। ये मैंने सारे गट्टे कट करके साइड में रख दिए हैं। जो ग्रेवी है आप इसको टमाटर प्याज के मसाले के साथ भी बना सकते हैं, पर एक्चुअली ट्रेडिशनली ये दही और बिना प्याज टमाटर के मसाले के बनती है, तो वही मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखिए इसका तेल सारा छूट चुका है और ये बहुत ही यम्मी लग रही है। और इसमें मैं डालूँगी वो बचे हुए गट्टे वाला पानी। अभी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी वो गट्टे वाला यूज़ किया है। आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से या अपनी थिकनेस के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिए जब भी आप गट्टे डालेंगे गट्टे पानी को पिएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी थिनर साइड पे बनाइए ताकि जब भी आप खाएं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। बस अब मैं इस ग्रेवी में एक उबाल आने का वेट करूँगी, और जैसे ही उबाल आएगा वैसे ही हम सारे अपने गट्टे जो हैं ग्रेवी के अंदर धीरे धीरे करके डाल देंगे।
अब मैं गट्टों को भी इस ग्रेवी के अंदर 5 मिनट के करीब बॉईल करूंगी, या तब तक जब तक आपकी राइट कंसिस्टेंसी की ग्रेवी जो आपको चाहिए वो ना हो जाए, तब तक इनको बॉईल करेंगे। अगर आपने एक बात नोटिस की है कि मैंने अभी तक ग्रेवी में नमक नहीं डाला है, वो इसलिए नहीं डाला है कि कच्चे दही में अगर नमक डाल के उसको पकाएंगे तो वो फट जाएगा। तो जब मेरा सारा मसाला रेडी हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और फिर डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बस तैयार है हमारी गट्टे की सब्ज़ी। ये आप चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, मक्के या बाजरे की रोटी के साथ तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो ज़रूर ट्राई करें ये गट्टे की सब्ज़ी और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट द करी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।